सारूणां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। उनके दिव्य कर्तव्यों को जानकर जब अपने अनुभवों से हम परमात्मा को यथार्थ रीति से पहचानने का अभ्यास करेंगे, तब ही इस श्रेष्ठ ज्ञान पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। अब यदि हम केवल एक उनके ही प्रति समर्पण भाव से चलकर अच्छे कर्म करेंगे, तो स्वाभाविक ही हमें अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। ओम शांति। त्रिगुणातीत त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ त्रिभुवनेश्वर सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला अनोखे कलाकार अद्भुत रचयिता परम श्रेष्ठ परमात्मा परमेश्वर गीता ज्ञान दाता को याद करते हुए उनकी अनोखी वाणी लाखों को महान बनाने वाली शिव भगवानुवाच अमृत वाणी को सुनते हुए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति और पुरुष के इस भेद को साम्य को संबंध को जानते हुए मनुष्यात्मा के अंदर कुछ भी पाने की इच्छा अगर है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। कई बार हमारे अंदर की उत्सुकता नवीनता को जन्म दे देती है। हम मनुष्यात्माएं कई बार नवीनता को पाने के लिए डरते हैं। We resist the change। जो बदलाव होगा उसे अनुभव करने के लिए डरते हैं। बदलाव चाहते हैं लेकिन बदलाव से डरते हैं। जैसे कि देखिए, गर्मी से हम बहुत थक गए हैं, एसी लगा के बैठे हैं, लेकिन ठंडी के सीजन के लिए भी मन में एक डर है, पता नहीं कितने माइनस में चला जाए, सभी कपड़े निकालने पड़ेंगे, नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, बाहर निकलना ही तो पड़ेगा ना। ऐसे बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम क्या है, हाफ ओपन हाफ क्लोज पर्सनालिटी है हमारी। बदलाव भी चाहते हैं, बदलाव से डरते भी। ऐसी परिस्थिति में इस सृष्टि को बदलने के लिए जो परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं, सृष्टि का बदलाव माना फूल पत्ती या पेड़ झाड़ पौधे ये नहीं बदलने हैं, बदलना है पूरे सृष्टि के मूल तत्व, वो है मनुष्य। जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तो सृष्टि कैसे बदलेगी। तो मनुष्य को बदलना माना खुद को खुद से मिलाना। मनुष्य खुद से बहुत दूर चला गया है। मनुष्य कई बार आपको टीवी में मिलता है, कभी मोबाइल में, कभी सोफे में, तो कभी महलों में, तो कभी गाड़ी में, वहां पहुंच गया है, वो अपने से अलग हो गया है, जिसके कारण उसकी बुद्धि में भी एक तरह के पत्थर जैसा जड़त्व आ गया है, भावनाएं शून्य होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में इस सृष्टि के पूरी रचना रचयिता के बारे में यथार्थ नहीं जानने से मनुष्य में जो दुविधाएं हैं उसका
निवारण कैसे होगा, अर्थात अपने अंदर खुद को जानने की उत्सुकता पहले बनाए रखना चाहिए। मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ, आखिर आई क्यों हूँ इस दुनिया में, जाने का मकसद क्या है, रहने का मकसद क्या है, कुछ भी पता नहीं है, यूं ही आए और यूं ही चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मुझे एक घटना याद आती है, फुटबॉल का खेल चल रहा था यूरोप में, बहुत कंपटीशन टाइट था, एक टीम ए बी टीम थे, एक टीम वाले की एकदम तबीयत खराब होने के कारण उसके बदले एक दूसरे प्लेयर को लेना पड़ा, जो एक्स्ट्रा प्लेयर था, वो बहुत यंग था। जैसे ही उसको टीम के अंदर लिया गया, उसने सोचा कैसे भी मुझे गोल मारना है और अपने टीम को जितवाना है। उसने क्या किया पता है, फुटबॉल खेलते खेलते गया, जब उसे लगा कि ये बॉल मेरे से छूट जाएगा तो उस फुटबॉल को हाथ में उठा लिया उसने। वैसे आपको पता होगा फुटबॉल खेल में बॉल को हाथ से छूना मना होता है, आप उसको सिर से मार सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन ये यंग, बहुत यंग था, नया नया खेल रहा था, इतनी उत्सुकता थी, कैसे भी मैं गोल करूंगा, हाथ में वो बॉल लेके भाग के गया और गोल जहां होता था ना वहां जाके खड़ा हो गया बॉल के साथ। पूरे स्टेडियम उठ खड़ी हो गई, ताली बजाने लगी, भले वो गोल नहीं कर पाया, वो गोल नहीं मानी गई फुटबॉल की, लेकिन आपको पता है उसी की इस उत्सुकता के कारण एक नई गेम इन्वेंट हो गई, उसका नाम रग्बी है, जो हाथ में पकड़ के भागते हैं, थोड़ी सी अलग तरह की बॉल होती है, आप सभी ने देखा है। कहने का भाव क्या है, कभी भी पानी अगर एक जगह रुक जाती है ना तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जो सफाई के लिए यूज करने वाली पानी खुद गंदी हो जाती है, पानी बहती रहनी चाहिए। इसी तरह ज्ञान भी बहता रहना चाहिए, ज्ञान सुनते रहना चाहिए, मथन करता रहना चाहिए ज्ञान की, और ज्ञान बहना माना दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरे से सुनती रहिए, एक्सचेंज होता रहे ज्ञान, तो जीवन में ज्ञान का अपना ही आनंद अनुभव कर सकते हैं। इस ज्ञान को भी यथार्थ रूप से समझते हुए सदियों से रटने वाली, पढ़ने वाली, जाप करने वाली गीता जब हमारे सामने एक मंथन के रूप में आई है तो हमें बहुत अच्छा आनंद भी अनुभव हो रहा है। यावत् संजायते किंचिदतत् सत्वम् स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगम् संयोगात् विद्धि ही भरतर्षभ। जो ये समझता है इस दुनिया में जो भी है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुआ है, ऐसे समझने वाला ही यथार्थ रूप से ज्ञान को समझ सकता है। दुनिया में जो भी है सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से है। पहले से हम इसी के बारे में सोचते आए हैं। इस दुनिया में क्षेत्र माना बहुत सारी चीजें हैं, क्षेत्र में शरीर भी एक क्षेत्र है, दुनिया भी एक क्षेत्र है, ये जो भी क्षेत्र है फैला हुआ ये परमात्मा की रचना है, क्षेत्रज्ञ से बनी हुई है। और ये शरीर है, ये शरीर कैसे मुझे मिला कि पहले जन्म में इस ऐसे क्षेत्र के साथ मैं क्षेत्रज्ञ ने जैसे कर्म किया उसी के फलस्वरूप मुझे ये शरीर मिला। मतलब जिसका भी जो शरीर है वो पूर्व संयोग के आधार से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग के आधार से। फिर से गलत मत समझिएगा कि आत्मा और परमात्मा के संयोग से नहीं, या शरीर और परमात्मा के संयोग से भी नहीं, परमात्मा की रचना है। जो भी है दुनिया में, सूरज चांद सितारे नदियां समुंदर पहाड़ियां पौधे जंगल जितने भी रचना है ये सब परमात्मा की रचना है, जिसके लिए हम गाते आए, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कैसे रचा उन्हीं से पूछना। लेकिन रचना उनकी जरूर है क्योंकि वो ये पूरी मानव सृष्टि के बीज माना जाता है। बीजम मां विद्धि पार्थ सनातन, आगे चलकर हम 15वें अध्याय में ये सुनेंगे, है ना, ऊर्ध्वमूलो अधःशाखम, वहां जाके हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। लेकिन याद क्यों दिलाई गई कि ये जो रचना है जितना भी दिखाई देता है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, एक क्षेत्रज्ञ ने
क्षेत्र को रचा, एक क्षेत्रज्ञ ने इस क्षेत्र के द्वारा कर्म किया, जिसके आधार से कई सारी मनुष्य रचना भी है ना यहाँ पर। कुछ परमात्मा ने रचा, परमात्मा की रचना को आधार लेके मनुष्यों ने, नदी परमात्मा ने बनाई, डैम मनुष्य ने किया, डैम के कारण या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, भगवान ने ही कुछ तत्व यहाँ रखे जिसे मिलाकर केमिकल्स रिएक्शन से एटम का संशोधन किया गया, भगवान ने कुछ निर्माण किए उसे उपयोग करके मनुष्य आत्मा ने कुछ अलग निर्माण किया। मतलब जो भी इस धरती पे देखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र और यहाँ इस क्षेत्र को जानने वाले के संयोग से या पूरी दुनिया का रचयिता और रचना के संयोग से जो विधिवत सृष्टि घूम रही है, सूरज उग रहा है, चांद आ रहा है, चांदनी मिल रही है, ये सारे परमात्मा की रचना है। ये जो भी है परमात्मा के संयोग से। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यतम अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। ये जो समः परमात्मा ने हमें ये समझाया, समः सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरम, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं सभी भूतों के बारे में, मतलब अपनी रचना के बारे में, जो समभाव रखता है विनाशी के बारे में, अविनाशत्व के बारे में, सभी के बारे में उसका समभाव है। इसे जो जो देखता है वो ही देख पाता है, पश्यन्ति सो पश्यन्ति, माना जो देख सकता है वो ही देख पाता है। अविनाशी को जो देख सकता है वो देख सकता है, विनाशी को देख सकता है वो देख सकता है, परमात्मा सभी में समभाव रखा हुआ है। ये जो देख सकता है वही देख सकता है, सभी नहीं देख सकते। कईयों को लगता है सब में परमात्मा बैठा है, लेकिन परमात्मा सभी के प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन हम अपने कर्म से जितने का उतना बना लेते हैं। देने वाले ने तो कभी गिन के नहीं दिया, लेने वाले ने गिन के जरूर दिया। और बहुत सुंदर और एक श्लोक के आधार से परमात्मा हमें ये बताते हैं, समम पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हीनस्ततात्मनात्मानाम तथो याति पराम गतिम। जो अपने प्रति प्रगति करना चाहता है वो सम, मतलब ईश्वर के इस समभाव को अच्छी तरह से पहचानता है। अगर ईश्वर के ये समभाव को जो नहीं पहचानता है वो अपने प्रगति में बाधा बन जाता है। जो ईश्वर की इस परम गति को, ईश्वर की इस परम कार्य को यथार्थ रूप से पश्यन्ति देखता है, समझ सकता है, वो ही अपने जिंदगी में प्रगति को पाता है। मतलब खुद को जानना, ईश्वर को जानना, ईश्वर के कर्तव्य को जानना, ईश्वर के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भाव को जानना, खुद के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भाव को जानना, पुरुष प्रकृति के इस खेल को अच्छी तरह से समझना, ये सब हमें ही करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो हम अपनी परगति को, प्रगति को नहीं कर सकते। एक घर के आंगन में मुर्गा मुर्गी रहते थे, अपनी अच्छी गृहस्थी चलाते हुए। उनके चार पांच छोटे छोटे चूसे थे। एक दिन सवेरा हुआ, छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे चूसे आंखें खोले, आपस में बात करने लगे, कौन जाएगा खाना ढूंढने, भूख लग रहा है। अगर घर की मालकिन कुछ अनाज के दाने कहीं फेंकी होगी, मैं देख के आ जाऊंगी। एक ने कहा, नहीं नहीं, मोटे कीड़े कोई मिल जाए तो मेरा नाश्ता हो जाए। दूसरे ने कहा, कोई कौवा भाग के जा रहा हो, उसके मुंह में कड़ा जो कीड़ा है वो नीचे गिर जाए, मुझे मिल जाए। ऐसे पांचों सवेरे की नाश्ते की बातें कर रहे थे। इतने में मुर्गी आई बड़ी माँ, वो बोलने लगी, उठो उठो, तुम्हारे लिए रोज हम दाना चुग के लाते थे, कीड़े लेके आते थे, आज से आपको अपना खाना खुद चुगना होगा, जैसे मैं और तेरे पापा करते हैं इधर उधर जमीन में आंगन में जो दाने पड़े हैं, कीड़े पड़े हैं, चुगते हैं, तुमको भी चुगना होगा। खुद के खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, उठो उठो।
भगा के ले गई। वैसे देखा जाए तो जंगल का राजा शेर भी खुद का खाने का बंदोबस्त खुद ही करता है, खुद के खाने के लिए खुद ही शिकार करता है। एक मानव ही है जो हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। ऐसा एक दिन आएगा जो कोई किसी के लिए सहायता नहीं कर सकेगा, इसलिए खुद अपनी सहायता खुद को करनी चाहिए। तो ये जो आत्मा का भोजन है, जन्मों का भोजन है, जन्मों की भूख प्यास मिटाने वाली ये ज्ञान है, इस ज्ञान को पाने की और इस ज्ञान को समझने की प्रयास, परमात्मा के पास जाने की उत्सुकता, समझने की आवेग हमारे अंदर खुद का बना रहना चाहिए। कोई दूसरा हमारे लिए ये नहीं करेगा। दूसरे के अनुभव से हम सीख लेंगे, लेकिन कब तक किसी की हथेली का खाना खाते रहेंगे बताइए। इसलिए भगवान गीताचार्य ये समझा रहे हैं, ईश्वर को जानना, ईश्वर को समझना, ईश्वर सभी के प्रति समभाव रखे हुए है, इसे देखना हमारे जीवन में प्रगति का आधार है। अगर लेकिन क्या है, आजकल मनुष्य क्या कहते हैं, अरे भगवान भी पक्षपात करते हैं, उसको एक दे रखा है, मुझे कुछ नहीं दिया है, मेरे भाई को देखना कितने एक के ऊपर प्रमोशंस मिल रहे हैं, लेकिन मुझे नौकरी तक नहीं मिली, भगवान इतना भेदभाव कर रहा है। हम उसी को सुनाते रहते हैं, सच में उसका कुछ नहीं है। हमने जो किस्मत कमाई है ना, हमारे ही कर्म के फल है ये। अभी अच्छा कर्म करो, भगवान को कोसने के बदले, उसे सुनाने के बदले, जो है उसी में कुछ अच्छाई ढूंढने की जब हम अभ्यास करते हैं, तो कहते हैं ना, हिम्मत रखने वालों के लिए हजारों हाथ आगे आ जाते हैं उनके सहायता करने के लिए। वही तो भगवान हमें हजारों हाथों के जरिए आगे बढ़ा देता है। इसलिए देखिए, भगवान सब में सम रूप में है ये समझना गलत है, लेकिन भगवान की सबके प्रति समदृष्टि है, समभाव है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जब हम समझेंगे तभी हमें परमात्मा के प्रति जो पॉजिटिविटी आ जाती है, इस पॉजिटिव थॉट्स ने, एलिवेटेड थॉट्स के आधार से हम अपने अंदर के वाइब्रेशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये क्या हो गया है, पहले से ही पात्र गंदा है, उसके अंदर दूध डालते हो और दूध वाले को कोसते हो, तुमने दूध अच्छा नहीं दिया, लेकिन पात्र को साफ किया ही नहीं तो दूध वाले को कोसने से क्या होगा। ये यही बात हुई, हम कोसते परमात्मा को है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमने अपने आप को स्वच्छ नहीं किया, प्यूरिफाई नहीं किया, अपने मन को इतने गंदे विचारों से, व्यर्थ विचारों से, नेगेटिव विचारों से भर के रखे हैं, जिसके अंदर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान अमृत डालते हैं तो भी काम नहीं करता है। इसका कारण क्या है, पात्र स्वच्छ नहीं। तो उस पात्र को स्वच्छ करने के लिए एक ही मार्ग है, तमेव शरणम गच्छ सर्वथा अन्यथा शरणम नास्ति। उसे परमात्मा की शरण में जब आ जाते हैं तो हम परमात्मा को, परमात्मा के पास जा सकते हैं, याति परमाम गति, पराम गति। जब हम परमात्मा को यथारत रूप से वो जैसा है वैसे ही पहचान लेते हैं, उसके समभाव को हम पहचान लेते हैं, उसके समभाव को हम स्वीकारते हैं, उसने सभी के लिए एक ही भाव रखा हुआ है। जैसे आकाश से पानी बरसती है, गरीब के घर में कम पानी, शाहूकार के घर में ज्यादा पानी बरसात ऐसे देती है क्या, देखा है कभी? या जब गर्मी की सीजन है, ठंडी की सीजन है, ऐसा कोई भेदभाव देखा है प्रकृति में? ये गरीब का घर है, यहाँ पर अच्छा हिमपात कर दो, ऐसे नहीं होता है। प्रकृति का नियम सभी के लिए एक है, लेकिन अगर हमने उस नियम में अपनी कुछ युक्तियां बना ली। मुझे याद है पैसे वाले क्या करते हैं गर्मी के दिनों के लिए, एसी, ठंडी के दिनों के लिए गर्मी पैदा करने के लिए हीटर। लेकिन आपको पता हो, गरीब थे गरीब भी उस गर्मी से और ठंडी के से बचने के लिए सुविधाएं करके रखता है, गोबर से अच्छी तरह से घर को
ये कर देता है तो अंदर से गर्माइश होती है, उसे ठंडी की महसूसता नहीं होती है। मतलब भगवान ने दी हुई अकल को जब हम यूज करते हैं, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम भगवान के समभाव को समझें, समभाव को समझने पर सभी के लिए उसका प्यार, उसकी पालना एक जैसी। लेकिन मेरा पात्र ही ठीक नहीं है, या मेरा पात्र छोटा है, या मेरे पात्र में छेद है, तो देने वाला क्या कर सकता है। इसलिए परमात्मा के अद्भुत चरित्र को जानकर, कर्तव्य को जानकर, परमात्मा के बारे में अलग अलग गलत गलत चिंतन करने के बदले यथार्थ रूप से अपने अनुभव से परमात्मा को जानने का जब अभ्यास करेंगे, या परमात्मा के बातों के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, मैंने पहले भी कहा, उसने कहा होगा, कितने भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, वो उनका अनुभव है। अनुभव के दृष्टि में गृहस्थी हो या महात्मा, अनुभव तो अपना होता है और अपना अनुभव ही काम आता है। तो हम सभी घर गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा के इन समभावों को समझकर, उस समभाव के अनुसार जीवन बनाकर, हमारे अंदर समत्व को लाकर, जीवन के सच्चाई की, पूर्णता की, परिपूर्णता की अनुभव करने के लिए उत्सुक रहेंगे, कभी हतोत्साही नहीं बनेंगे, किसी के कहने पर, किसी के अनुभव के आधार से भी, किसी ने चोट खाई गाड़ी से गिरने के कारण, इसीलिए कोई गाड़ी सीखना छोड़ देता है क्या? नहीं ना। इसी तरह किसी ने जीवन में हार खाई तो हमें निरुत्साही होने की जरूरत नहीं। जो ऐसे परमात्मा समभाव को अच्छी तरह से जानता है कि परमात्मा भी उसी का मदद करते हैं जो खुद का मदद करता है, जो खुद का मदद नहीं कर सकता उसी का मदद कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हम अपना मदद करेंगे, अपने पे विश्वास रखेंगे, परमात्मा के समभाव को पहचानेंगे और प्रगति को पाएंगे, परम गति को भी पाएंगे। ओम शांति। सृष्टि के रचयिता एवं आदि मध्य अंत के ज्ञाता, गीता ज्ञान दाता परमात्मा की अमृत वाणी सुनकर असंख्य आत्माओं का जीवन महान बन गया, जिससे उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। जिस प्रकार बहते हुए जल प्रवाह में ठहराव आए तो उसमें कीटाणु उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार हमें भी ज्ञान सुनते और सुनाते रहना चाहिए, अर्थात हमारे भीतर ज्ञान का मंथन होना चाहिए। दोस्तों, इस सारी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, क्योंकि समय प्रमाण इस सृष्टि का परिवर्तन अनिवार्य है। सर्वप्रथम हमें ही स्वयं को बदलना है, क्योंकि हम मनुष्य ही इस सृष्टि के मूल तत्व हैं। हमारे परिवर्तन के बिना इस सृष्टि का परिवर्तन संभव नहीं है। परमेश्वर अपनी सारी रचना के प्रति समभाव अर्थात समान भाव रखते हैं। इस समभाव को जानने से, समझने से ही हम अपनी प्रगति कर सकेंगे। भगवान सम रूप में सभी के भीतर विराजमान है, यह समझ लेना अनुचित है, परंतु उनकी सबके प्रति समदृष्टि एवं समभाव है, यह सत्य समझना उचित है। इसीलिए परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखते हुए सभी के प्रति उनके समभाव को पहचान कर हम प्रगति के साथ साथ परम गति को भी पाएंगे। ओम शांति।